अपने पति महान समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले की तरह सावित्रीबाई फुले भी मशहूर मराठी कवित्री और नारी शिक्षा की अग्रदूत थीं। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई के जीवन का उद्देश्य उनके द्वारा प्रारंभिक काल में लिखी गई कविता से स्पष्ट होता है। जाओ, जाकर पढ़ो, लिखो और बनो मेहनती और आत्मनिर्भर। काम करो, धन और ज्ञान एकत्र करो, क्योंकि ज्ञान के बिना खो जाता है सब कुछ। ज्ञान के बिना हम बन जाते हैं पशु, इसलिए खाली न बैठो। जाओ और जाकर शिक्षा लो, दलितों और त्याज्य के दुखों का अंत करो। सुनहरा मौका न गवाओ सीखने का। उन्होंने इस कविता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हुए वंचित वर्ग की 9 छात्राओं को एकत्र कर विद्यालय खोल दिया, पढ़ाने की जिम्मेदारी दी अपने पति को और फिर खुद भी प्रशिक्षण लेकर पढ़ाने लगी। यह अपने ढंग का पहला स्कूल था जो 3 जनवरी 1848 को खुला था। उनकी राह आसान नहीं थी, उन्हें विरोध झेलना पड़ा, फिर भी वंचित वर्ग की लड़कियों के स्कूल का यह अभिनव प्रयोग जारी रहा। इसके बाद तो उन्होंने 17 नारी स्कूल खोले। स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते समय विरोधी खरी खोटी सुनाते और उन पर गंदगी फेंक देते थे, इसलिए वे झोले में एक साड़ी रखती थी ताकि बदल सकें। नारी और वंचितों की शिक्षा के विरोधियों ने उन्हें मारने तक की साजिश रची। शायद वे देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने शिक्षण कार्य के लिए पहले खुद पढ़ा, प्रशिक्षण लिया और फिर पढ़ाना शुरू किया। 9 वर्ष की उम्र में ही ज्योतिबा के साथ उनका विवाह हो गया। उनके साथ मिलकर वे विधवा विवाह, बाल विवाह, महिला मुक्ति, सती प्रथा, नारी शिक्षा, अंधविश्वास और अस्पृश्यता निवारण के काम जीवन भर करती रहीं। धार्मिक संस्कारों में उच्च कुल के एकाधिकार को तोड़ने के लिए समाज सुधारक दंपति ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने भी मान्य किया। 28 जनवरी 1853 को दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना के साथ ही विधवा विवाह की परंपरा शुरू कराई। उन्होंने अस्पृश्य समाज के लोगों को पुजारी, पुरोहित, सूतखोर आदि सामाजिक सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाने, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने अपने काल में समाज सुधार के लिए जो कुछ भी किया वह असाधारण ही था। 1890 में अपने पति के निधन पर सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए स्वयं ही पति का अंतिम संस्कार करते हुए उनकी चिता को अग्नि दी। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग फैलने पर वे लोगों की सेवा करने निकल पड़ी और उसमें वे खुद भी प्लेग का शिकार हो गईं। 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।